गाइस, हाउ आर यू ऑल। दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको घर पे किस तरीके से बाइक की रिपेयरिंग करते हैं इस पे तरह तरह के वीडियोस लाता हूं। दोस्तों, आज मेरे बाइक यानी कि पैशन प्रो में आप देख सकते हैं कि एक दिक्कत आई है। वो दिक्कत काफ़ी दिनों से आ रही थी दोस्तों, कि धीरे धीरे मेरा जो ब्रेक शू है, ठीक है, ब्रेक शू है वो धीरे धीरे घिसता जा रहा था और अब इसका जो ब्रेक शू है बिल्कुल ख़त्म हो चला है। अब आप बोलेंगे, बिने चक्के को खोले हुए कैसे बता सकता है कोई कि ब्रेक शू हमारा ख़त्म हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, पहला चीज़ ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेक एडजस्ट करने वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसी से आपका ब्रेक एडजस्ट होता है। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे था, ठीक है, अब धीरे धीरे टाइट करते 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 यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो अब ये ब्रेक को अगर मैं दबाता हूँ तो इसको दबने के लिए और जगह नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। आप इधर से दिखाऊंगा ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सके। तो ये है, बिल्कुल जो है वो ब्रेक शू जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, ब्रेक शू ख़त्म हो गया है, इस चीज़ के लिए कंपनी के तरफ से भी दोस्तों ये इंडिकेटर दिए जाते हैं। अगर ये इंडिकेटर और जो एरो है दोस्तों, वो दोनों एक सीध में आ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो है वो ब्रेक शू ख़त्म हो गया है। अब उसका चेंज करने का समय आ गया है, ब्रेक लाइनिंग घिस गया है। ब्रेक लाइनिंग वगैरह क्या होता है, जब खुलेगा चक्का तो आपको मैं पूरा डिटेल दे दूंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगले वाले में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपको कंपेयर हो सके तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि अभी हमने हाल ही में वीडियो भी अपलोड किया था और ब्रेक शू हमने चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहीं पे है। अब ये धीरे धीरे घिसता जाएगा, इसको इधर से करके दोस्तों टाइट करते जाएंगे तो इसमें बहुत जगह अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इधर जगह बचेगा तो इसका मतलब है इसका ब्रेक शू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से एक दो बार ही टाइट हुआ है, तो अभी इतना जगह हमारा बचा हुआ है, लेकिन पीछे वाला में ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रेक शू हमारा पूरी तरीके से घिस चुका है। तो चलिए, ब्रेक शू मैं लाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने जेन्युइन पार्ट्स लाया हुआ है। और इसकी कीमत की बात करेंगे अगर, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 280 रुपये का एक पेयर, मतलब एक जोड़ा ब्रेक शू मिला हुआ है। ये दोनों ही पेयर दोस्तों लगने वाले हैं। और कैसे लगता है, घर पे किस तरीके से बाइक की रिपेयरिंग करते हैं, पूरी चीज़ें दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ इसी वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, रियर व्हील यानी कि पिछले चक्के का जो ब्रेक शू है उसको चेंज करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं 19 नंबर का एक रिंग रिंच लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिंग रिंच को दोस्तों यहाँ पे नट में फंसाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमानी है और आपका जो है वो चक्का खोलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वो इसको लूज करना है। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं, बारी बारी से घुमा करके ये वाला जो हमारा नट है इसको पूरी तरीके से निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं। और पिछला चक्का का थोड़ा सा जो है वो ब्रेक शू चेंज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अगर कंपेयर करें अगले चक्के से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से बिल्कुल खुल चुका है। दोस्तों एक बोल्ट जो है वो खोलने के बाद में आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से हम लोग चेन एडजस्ट करते हैं ना, उस वाले नट को पूरी तरीके से खोल लिया जाए। तो इस तरीके से आप जो है वो ये डबल यहाँ पे नट लगा करके लॉक किया हुआ रहता है उसको हम खोल लेते हैं। किसी भी पार्ट को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल पूरी चीज़ें समझ में आए। अब ये देख सकते हैं ये पार्ट हट चुका है, ठीक है, ये पार्ट हमने अभी हटा लिया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो जो ब्रेक लीवर से हमारा कनेक्टेड रहता है दोस्तों, ये वाला पार्ट जिसको हम ब्रेक एडजस्ट करते समय दोस्तों टाइट या लूज करते हैं, उसको हमें हटाना है, ठीक है, ताकि हमारा ये जो लीवर है ये बिल्कुल फ्री हो सके। तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि पिछला ब्रेक जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। मैंने जो है वो अगले व्हील का भी, फ्रंट व्हील का भी दोस्तों जो है वो ब्रेक शू चेंज किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगले वाले चक्के का जो है वो ब्रेक शू चेंज करते हैं। दोस्तों अगर रिंच की साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 14 नंबर जो है वो रिंग रिंच लग रहा है इसको खोलने में। ओपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, ओपन या रिंग जो भी 14 नंबर का हो उसका दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से जो है वो
इसी तरह से चल रहा था, तो जो पीछे वाला जो बोल्ट का साइज है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं, और जितना भी बचा हुआ है दोस्तों वो पूरी तरीके से जो है वो कीचड़ में सना हुआ था, और इसका जो थ्रेड है, जो घाट है दोस्तों, उसमें बिल्कुल जो है वो कीचड़ फंस गया है, और इसी वजह से जो है वो हमारा बोल्ट खुलने में परेशानी हो रहा है। तो इसको साफ कर देंगे फिर दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों यहाँ पे खुल देगा। तो दोस्तों ये फाइनली जो है वो हमारा नट खुल चुका है, और ये हमारा ब्रेक लीवर जो होता है वो बिल्कुल आज़ाद है इस तरीके से जो है वो। ये अब धीरे धीरे दोस्तों हमारा जो व्हील है वो अपने एक्सल से हटने वाला है, आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो इस तरीके से बोल्ट के सहारे दोस्तों आप उसको उस साइड में ढकेल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूँ इधर से दोस्तों, इस तरीके से जो है वो आपको पूरा का पूरा जो ये बोल्ट है इस तरफ से इसको खींच लेनी है दोस्तों। हमेशा कोशिश करें इस वाले बोल्ट में जो है वो ग्रीस वगैरह लगा दें, ताकि आपका जो रनिंग है वो स्मूथ हो, खोलने वगैरह में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब ये इधर निकल चुका है दोस्तों, पूरा निकालने का भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड से, एक और आपको जो है वो नट खोलना है दोस्तों, और वो नट जो है वो 13 नंबर का है। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है, ये वाला जो नट है इसको आपको दोस्तों खोलना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है जो है वो डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, और जो लोग पहली बार ये काम देख रहे होंगे उनको भी चीज़ें पूरी समझ में आएगी, और वो भी अपना घर पे ही दोस्तों बाइक की रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो अब ये पूरा का पूरा जो यूनिट है दोस्तों वो निकलने वाला है, देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा जो व्हील है वही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो बाइक से अलग हो गया है इस तरीके से दोस्तों। अब ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो निकल गया है, और ब्रेक शू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही रहता है वो ब्रेक शू जिसको हमें चेंज करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, समय के साथ जो ये ब्रेक लाइनिंग है ना, ये ब्रेक लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रेक लाइनिंग आप देख रहे होंगे, यही दोस्तों क्या होता है कि हमारे ड्रम में अगर ब्रेक मारते हैं, ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार इसमें ख़राब क्या हुआ है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ब्रेक काम किस तरीके से करता है। आप देख सकते हैं ब्रेक लीवर उधर से दबाया जा रहा है, ठीक है, ब्रेक लीवर दबाने से दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इधर में जो ब्रेक शू है वो फैल रहा है। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फैल रहा है, और ये जो ब्रेक लाइनिंग है आप देख सकते हैं, ये जो ब्रेक लाइनिंग है दोस्तों यही घिस गया, ठीक है, ब्रेक लाइनिंग इस पर आप लगाया हुआ ये घिस चुका है, और यही लाइनिंग दोस्तों फैलने के बाद में आप देखेंगे तो इस वाले ड्रम में जो है वो बिल्कुल फिट हो जाता है, और हमारी बाइक जो है वो रुक जाती है। तो धीरे धीरे ब्रेक लाइनिंग घिसने से दोस्तों ये गैप बढ़ गया है, और इसीलिए हमारा जो ब्रेक नहीं लग रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, ये पूरा का पूरा जो ब्रेक शू का पेयर है, तो मैं जिस तरह से बताऊँ आपको कि मैंने मार्केट से लाया हुआ है, तो चलिए इसको जो है वो खोलते हैं और लगाते हैं। और इसमें दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप घर पे भी बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ों कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों ड्रम को थोड़ा सा आप स्क्रैच कर दें, ठीक है, ड्रम को स्क्रैच करने से होगा दोस्तों कि आपको जो है वो बढ़िया एक एक्सपीरियंस मिलेगा ब्रेकिंग का। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा ड्रम को रब भी नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रेक शू बदल सकते हैं, ड्रम बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए दोस्तों ब्रेक शू पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करनी चाहिए। और ये हल्की सी जो घिसाई हो रही है दोस्तों, ये जो ब्रेक का जो लाइनिंग जिस तरह से मैंने बताया, जो मटेरियल लगाया हुआ है ना वो इसमें चिपक जाता है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी घिसाई हो रही है, और इसके बाद इसको साफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपके पास समय है तो व्हील की आप ग्रीसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और नहीं तो पैसे की अगर बचत करना चाहते हैं, थोड़ा दिन और इसको खींचना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इसको जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि ब्रेक शू को इस तरीके से अगर आप रगड़ देंगे, फिर भी दोस्तों कुछ ना कुछ दिन आपको जो है वो ये खींच लेगा, ठीक है, ये काम चलाऊ हो जाएगा, लेकिन हमें जो है वो चेंज करना है, तो हम इसको चेंज ही करेंगे, क्योंकि मार्केट से ऑलरेडी हमने लाया हुआ है। तो चलिए इसको निकालने का प्रोसेस आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये पूरा का पूरा ब्रेक शू जो है वो निकल गया है, ठीक है। अब ब्रेक शू को फेंकना है, लेकिन आपको ये स्प्रिंग काम में लाने हैं, स्प्रिंग दूसरा नया मैंने नहीं लाया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेक शू हमारा जो है वो उधर चल गया, अब ये नया वाला ब्रेक शू हमारा जो आया हुआ है
उसको हम अब काम में लेंगे। साफ सफाई के बाद में दोस्तों अब ऑयलिंग की बारी है। जहाँ पे ऑयल लग रहा है वहाँ पे हम ऑयल देंगे, जहाँ पे ग्रीस की जगह है दोस्तों वहाँ पे हम ग्रीस भी लगाएंगे। तो इस तरीके से ब्रेक लीवर को पूरी तरीके से दोस्तों जो है वो फ्री कर लें। और बरसात का सीजन है दोस्तों, हमेशा ऑयलिंग करते रहनी चाहिए आपको। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों फ्री हो चला है। अब चलिए जो है वो इसको एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको पोंछ देते हैं अंदर में। आपको ऑयल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि इसमें ब्रेक शू लगाने का जो काम है वो चालू हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको, जहाँ पे ऑयल की ज़रूरत है वहाँ पे ऑयल लगाएंगे, जहाँ पे ग्रीस की ज़रूरत है तो इस वाले में हम दोस्तों ग्रीस लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ग्रीस लगा दीजिए स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। और इसके बाद दोस्तों जब हम फिट करेंगे तो एक्सल में भी ग्रीस डालेंगे। आप देखते रहिए वीडियो को और कहीं भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, किसी से आपको पूछने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, 280 रुपये के ये जेन्युइन पार्ट्स मैंने हीरो के लाए थे और अब इसको फिट किया जाएगा। यही है वो नया ब्रेक शू जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ब्रेक शू है। और आप देख सकते हैं इस पर मटेरियल का जो थिकनेस है वो कितना ज़्यादा है। तो अब दोस्तों इस तरीके से जो है वो आपको स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाने का तरीका चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको लगाने का एक तरीका है कि आपको एक स्प्रिंग जो है वो इधर से दोस्तों ऊपर तरफ से हुक डालना है और दूसरे वाला का जो हुक रहेगा वो नीचे से आपको लगाना है। तो ये मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रेक शू सेट करने का तरीका देख लीजिए, फाइनल बार बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो स्प्रिंग है दोस्तों, इसका हुक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा वाला स्प्रिंग है, ये देखेंगे कि इसका जो हुक है वो नीचे से ऊपर की तरफ आया हुआ है। ये बहुत सही तरीके से लॉक कर देता है दोनों को आपस में। एक चीज़ का ध्यान देना होगा, दोनों में दोस्तों सेमी सर्कल बना हुआ है, दोनों मिलकर के एक कंप्लीट सर्कल बनाना चाहिए और इधर एक लाइन बनाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब फिट करना बहुत आसान है। जिधर लाइन है दोस्तों उसको इसमें लगाएंगे, ठीक है, और जिधर सर्कल है उधर दोस्तों ये गोल बना हुआ है उसमें लगाएंगे। तो चलिए कुछ इस तरीके से फैला करके इसको जो है वो हम लगा देते हैं। लगाने का तरीका यही सबसे बेस्ट है दोस्तों, इसमें आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो, और वर्किंग इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये जो लीवर है इसको खींचने पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ से देख सकते हैं ये हमारे ब्रेक शू को फैला रहा है और फैला रहा है। तो जिससे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ड्रम में सेट करके हमारा ब्रेक लगेगा। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं। अब दोस्तों फिटिंग बहुत ही सावधानी के साथ और ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप देखेंगे दोस्तों ये जो बोल्ट है ना, इस पर अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले ग्रीस लगानी है। और ये दोस्तों ग्रीस हम इस पर लगा दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें दोस्तों दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, हर चीज़ का अपना एक मतलब है। तो इस पर ग्रीस लगाई जा रही है और चलिए आगे के प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। अब जिस तरह से हमने निकाला था इसे, उसी तरीके से दोस्तों बाएं तरफ से जिधर चाइना स्प्रोकेट रहता है उधर से दोस्तों इस तरीके से आपको डाल देनी है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, इसको टेस्ट हमने कर लिया, अच्छे तरीके से काम कर रहा, अब इसमें डाल देंगे। आपको दोस्तों इसके डायरेक्शन की चिंता नहीं करना, कहीं भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने जगह पे चला जाएगा। अब ये दोस्तों कुशनिंग के लिए जो रबर दिया हुआ रहता है उसको उल्टा साइड में फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। सारे के सारे जो रबर है दोस्तों उसको हम फिट कर देंगे, ये देखिए इसलिए रहता है दोस्तों ताकि जब चैन में ड्राइव आए दोस्तों तो ये दोस्तों बिना किसी घर्षण के जो है वो चक्के तक ड्राइव को पहुंचा पाए। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो खांचा है ना, ये जो खांचा है ना आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी को उस वाले में फिट करना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो रहा होगा दोस्तों लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी, इसका गारंटी है। अब हल्का सा चक्के को उठा करके इस तरीके से जो है वो फिट कर लेंगे। ये देखिए वो अपने जगह पे चला गया है,
दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बोल्ट आपने डाला था वो इस तरफ आ गया है। तो अब इस वाले स्पेसर को लगा देंगे, स्पेसर को लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे। अब बस जो जो पार्ट हमने खोला था दोस्तों उसी को जो है वो फिट करना है। स्पेसर लग चुका है यहाँ से दोस्तों, अब फिटिंग चालू है। आप देखेंगे ये जो आप चैन को दोस्तों एडजस्ट करने वाला जो पूरा का पूरा यूनिट है उसको लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरीके से इस वाले नट को भी फिट कर दिया जा रहा है। और आप देखेंगे दोस्तों जो जो चीज़ हमने खोली थी यहाँ पे, एक दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मैं उसको सपोर्ट करने के लिए फिटिंग्स लगी है, इसको भी हम अपने जगह पे लगा दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फिट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जो जो ब्रेक लीवर है उसका पूरा यूनिट हम सेटअप कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से स्प्रिंग है, इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो दोस्तों इसको हम उसके लीवर में फिट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों ये फिट हो चुका है। अब यही वो जो नट है दोस्तों जो ब्रेक को टाइट या लूज करेगा, इसको एडजस्ट करने में हमारी मदद करेगा। बस हल्का सा लगा देते हैं क्योंकि नया नया अगर ब्रेक शू है दोस्तों तो इसका पोजीशन जो है वो सबसे पीछे होता है, तो इतना पे हम सेट कर देते हैं। इसके बाद हम चक्के को पूरी तरीके से फिट करेंगे, उसके बाद में ब्रेक को एडजस्ट करेंगे लास्ट में। ये देख सकते हैं ब्रेक शू हमारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब कि इसको सही जगह पर फिट किया गया है। अब इसको फाइनल टच देंगे दोस्तों, इस वाले नट को फुल टाइट जो है वो मार दिया गया है। तो ये देखिए ये फुल टाइट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर से इसको जो है वो टाइट कर लेंगे। अब फुल टाइट ही मारने का समय आ गया दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो अब ख़त्म ही होने वाला है और पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एक दो स्टेप और बाकी है जिसको कि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये देख सकते हैं इसको हमने फुल टाइट जो है वो मार लिया है। अब चलिए अब जो हमारा चैन एडजस्टमेंट है दोस्तों उसको कर लेते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं चैन भी बिल्कुल जो है वो जहाँ पे था वहाँ पे हमने टाइट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों इसको जो है वो ये जो कट है ना दूसरे नंबर पर है, तो आपको जो है वो लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे जो है वो ये गंदा हो चला है, ये कट जो है वो यहाँ से दूसरे नंबर पे, तो ये हमारा चैन भी बिल्कुल जो है वो सही तरीके से वर्क करने के लिए रेडी है। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक को टेस्ट करके। अब दोस्तों फाइनल टेस्टिंग है ब्रेक की, तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। ब्रेक लीवर छोड़ने के बाद में ये बिल्कुल जो है वो फ्री रहना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। ऐसा कुछ लगे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, ठीक है, तो आप यहां से इसको जो है वो और जो है वो इस तरीके से ढीला कर लेंगे। जहां पे फिट आ रहा है दोस्तों वहां पे इसको फिट करके छोड़ देंगे। अमूमन दोस्तों यही जगह में, इसी जगह में थोड़ा सा आगे या पीछे हर बाइक में ये रहता है, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लूज लगे दोस्तों उसको टाइट कर लीजिए। और अब आप देख सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था स्प्रिंग दोस्तों बिल्कुल जो है वो इस वाले मुहाने पे आ गया था, ये बिल्कुल सिकुड़ गया था यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं फैल गया है, अपने पुराने जगह पे चला गया है, क्योंकि ब्रेक शू हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। दोस्तों अब हमारा जो बाइक का ब्रेक शू है वो सक्सेसफुली जो है वो चेंज हो चला है। तो चलिए अब चलते हैं एक राइड पे और दिखाते हैं इसका एक्सपीरियंस। चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।